ब्लेडे यहाँ पे आ गई है। एक ब्लेडे कुछ इस तरीके से दिखती है और सारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट एंड एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो गाइस, जनरली अभी सुबह के बज रहे हैं आपकी 8 और अपने सामने इधर खड़ा है अपना प्यारा सा थ्रेसर जो कि टीन सेट में से बाहर निकला है। अब इसका क्योंकि मौसम आ रहा है यानी सीजन आ रहा है चलने का, देखो खेत कुछ इस तरह से हरा भरा है। कुछ दिन बाद साला पीला हो जाएगा जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और अपनी नीम जो है इसकी पत्तियाँ न्यू आ रही है तो उसी के नीचे रखे हैं ताकि छाव मिल सके। अब इसमें थोड़ा काम होना है, वो भी आपको बताता हूँ मैं क्या काम होना है। पहले तो ब्लेड बदलना है, जाली बदलना है और ग्रीसिंग करना है और टायरों में हवा चेक करना है। चार चीज़ें करना है, वायरिंग भी चेक करनी है। ग्रीसिंग तो करना है प्लस जो बैरिंग खराब वो भी बदलाएगा। तो फटाफट से दिखाता हूँ आपको और इसका पूरा इंट्रो देता हूँ। देखो अपना 4830 का थ्रेसर यश कुमार का है जो कि फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखता है और ऐसे सामने से भी कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से गाइस देखो इसके झरने लगे हैं जो कि 3 लेयर है। जनरली आप उसको 4 बोल सकते हैं लेकिन 3 ही। इसे देखो 1, 2, 3 और चौथा है उसमें अटैच है तो सोचा हाँ 4 लेयर बोल सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जबकि इसमें का झरना निकाला गया है, इसमें का भी जाली निकाल दिया गया है और ये 2 लगे हैं। यहाँ से थोड़ा पतला वाला चीज आता है, यहाँ से गेहूं या मोटा टाइप, ये इसका वैक्यूम टाइप क्रिएट करता है ताकि गाट को बाहर इसमें से निकल सके। और इसके 3 भूसे वाले हैं, 3 मुँह से भूसे निकलते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी फैन की पंखियाँ हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली। ये झरना चलाने के लिए है जो ऐसे ऑपरेट होता है। इसका यहाँ पे लोहा गिर गया तो प्लास्टिक बांधा गया है ताकि उसमें बैरिंग सुरक्षित रहे। ये यहाँ से इसको पावर मिलता है, इसको पावर मिलता है यहाँ से। तो भाई उस वाली पुली इसको घुमाती है तो ये ऐसे जाकर इसको फिर ये जाली को भी घुमा देती है। और मेन पावर ट्रैक्टर का यहाँ से लगता है जो कि शाफ्ट के थ्रू ये इसको घुमाता है फिर ऐसे, फिर ये साथ और ये दोनों एक साथ पैरेलल घूमते हैं। अंदर की ये ब्लेड वाली जो बॉडी है ये बाहर से इसका मुंह है, मतलब यानी नोजल जहाँ से गेहूं या कोई अन्य चीज़ जो उसको दाना है वो जाएगा। तो गाइस यहाँ से इसकी बड़ी सी बेलन जिसे प्रोपेलर भी बोल सकते हैं जो कि गेहूं के डांट को अंदर मतलब धकेलता है। और अंदर जाने के बाद भाई आप जानते ही हो ब्लेड लगे हैं, ये सभी ब्लेड देखो नए लगेंगे और जालियाँ भी दिख रही होंगी ना, वो जाली भी चेंज होना है। और ये इसकी बड़ी सी मुंह बकेट जिसे हवा डाबा बोलते हैं, अपना यश कुमार का मल्टी क्रॉप थ्रेसर है जो कि इसकी ये बड़ी सी चौकी लोहे की जिस पे खड़े होकर अपना अपना गेहूं लेबर लोग चढ़ाते हैं। रोहित जगह इस यहाँ से ये चौकी देख लिया आप, इसके टायर हैं और भाई ये बैलेंस इसलिए दी जाती है वाइट कलर का ताकि आराम से लोड ना पड़े और चीज़ें ऑपरेट हों। भाई ये बैलेंस ऐसा चीज़ है कि जो भारी चीज़ है ऐसे सारी थ्रेसर घूम जाएगी और कहीं से घुमाएंगे तो नहीं घूमेगी। और ये झरने की बैरिंग्स है तो कुछ इस तरीके से ये ऑपरेट होगा। और भाई यहाँ की ये नट देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नट और ये डब्बा अभी खुलेगा, अभी बाहर निकलेगा जो कि हमारे भाई रोहित करेंगे जो कि वहाँ पे हैं तो फटाफट यही करेंगे। और ये देख लो इन सब में वायरिंग चेक करना पड़ता है, नहीं तो जल्दी इसकी वायरिंग की गिरिस नहीं रहता है तो वायरिंग ख़राब हो जाती है। बीच सीजन में ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेती है और टाइम मतलब समझे लॉस। देखो इसके अंदर भी यहाँ पे भी जाली लगी है ताकि हवा का सक्शन क्रिएट कर सके, गांट चला जाएगा, गेहूँ इसमें से आ जाएगा। गाइस देखो वहाँ पर इसकी स्पेशलिटी लिखा है, 3 चलना डबल बेयरिंग स्पेशल कोनो कटिंग सिस्टम मॉडल हवा डबा मल्टी क्रॉप। आने से पहले इन सभी चेतावनियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाई हैवे तो बहुत हैवी ड्यूटी मशीन और भाई चलती है तो पूरी लगती है कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, इसलिए इस पर बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि यहाँ पे चेतावनी तो दिया ही गया है, चेतावनी भी पढ़ सकते हैं। और ये चौकी है ना जब थ्रेसर चलती है तो बहुत वाइब्रेट करती है, लेबर लोग को सल्यूट है जो कि इस पर खड़े होकर 10-10 घंटे काम करते हैं। भाई यहाँ से इसकी अटैचमेंट है, ये देखो रोहित भाई हैं थ्रेसर के मिस्त्री हैं और ये बहुत गुस्से में रहते हैं। ये देखो बहुत गुस्साई मिस्त्री हैं, इनसे भाई बच जाना पड़ता है, हम लोग को डरना पड़ता है। ये देखो इनकी, ये देखो कौन कौन से मिस्त्री आप लिए, क्या लिए हाथ में, कौन सा खिलौना है, इसे क्या करते हैं आप। और इनकी ये देखो टूल बॉक्स है, अपनी तैयारी के साथ ढक्कन को ओपन कर रहे हैं। वाह
जस्ट लुकिंग क्वाइट वाओ गाइस, ये देखो इन लोग सक्सेसफुली ढक्कन खोल दिया इसका। भाई दो इधर थमाओ, यहाँ पे देखो गाइस इसका ढक्कन खुल गया। बहुत सारा धूल है। ये देखो इसका तो ढक्कन तो खुल गया, अब अंदर दिखाता हूँ बढ़िया से। ये देखो गाइस इसमें ब्लेड लगे हैं कुछ इस तरीके से, सिंगल ब्लेड ऐसे देख लो, जो कि ख़त्म हो गया, मतलब कि अब इसमें नया ब्लेड लगेगा। नया इन द सेंस कि यहाँ के दो नट खुलेंगे ब्लेड जब बाहर होगा, इसके दो रिपीट है, ये दोनों हटेंगे तो ब्लेड का पत्ती हट जाएगा, फिर नया रिपीट ठुकाएगा, फिर ये ब्लेड इसमें लगेगा। टोटल इसमें टोटल है आपके 102 ब्लेड, यानी 102 ब्लेड, और मतलब ये ब्लेड 102 है, और इसमें एक ब्लेड में आपका दो नट लगा है, यानी 204 नट बोल्ट 102 ब्लेड। तो फटाफट से ऑपरेशन में लग जाते हैं इसके, कुछ इस तरीके से है। दो चीज़ दो हिस्सों से कटा, एक इधर एक उधर, छः लाइन है, जैसे एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार पाँच छः लाइन। मेरा लगल पर ही भाई पहला ब्लेड, राहुल जी जान लगाते हैं इनका फेस बन गया कुछ इस तरीके से। गाइस सारे ब्लेड खुलेंगे, काट दो बहुत से। ये देखो इतने सारे ब्लेड्स इन्होंने खोल दिए हमारे प्रिय भाई राहुल ने और हेल्प में रोहित ने, और यहाँ पे इनकी ये चल रही है, काम जारी है। दो लेन खोल चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। इसमें भाई बहुत यूज रिया, मतलब कि आपका मैन पावर और फिजिकल वर्क लगता है। बस कुछ समय के बाद सारे ब्लेड्स खुल जाएंगे, जो कि 102 ब्लेड हैं, 204 नट। इतना पे काम रुक गया है और भाई लोग मतलब अपना नहाओ कर रेस्ट कर रहे हैं। तीन लाइन खुला है गाइस, अभी आपका तीन लाइन और बाकी है। मैं फटाफट से निकलता हूँ लाइब्रेरी, आते हैं तो देखें क्या होता है, क्लियर रहते हैं या फिर करना होता है। नेक्स्ट डे हो गया है और थ्रेसर की सारी ब्लेडें खुल गई है, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। तब तक ये देखो सारी चीज़ें, ब्लेड ख़त्म, सारी ब्लेडें मम ब्लेडें यहाँ पर आ गई हैं। एक ब्लेड है कुछ इस तरीके से दिखती है और सारी ब्लेड है कुछ इस तरीके से। ये है अपना ब्लेड जिसमें नए ब्लेड लगेंगे।